बांग्लादेश में पुरतशद्द मुजाहरों और सैकड़ों अफराद की हलाकत ने बिलाखिर शेख हसीना वाजिद को इख्तदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शेख हसीना वाजिद के इस्तीफे और भारत जाने के बाद मुजाहरीन इनकी सरकारी रिहायशगाह में घुस गए, जहां मुजाहरीन ने तोड़ फोड़ की और सामान भी उठा कर ले गए। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, मिठाइयाँ तकसीम, जश्न मनाया जा रहा है। ढाका में कई मकामात पर शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मे गिरा दिए और तस्वीर पर कालक मल दी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान के अवाम से पुरअमन रहने और मुल्क में जल्द अबूरी हुकूमत तश्कील देने का ऐलान। पाक फौज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ी है। कश्मीरियों को पैगाम देना चाहता हूं कि पाक फौज कश्मीरियों के कॉज की मुकम्मल हिमायत करती रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा फौज किसी सियासी सोच और एक पार्टी को लेकर नहीं चल सकती। बयानियां बनाने वाले जमीनी हकायक से लाइल्म है। पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क के मुतवसित तबके और गरीब खानदानों से आते हैं, यह अशराफिया में से नहीं। क्या तनकीद की वजह से काम करना छोड़ दें? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।